देखो बच्चों, अब मैं अगली चीज जो आपको समझा रहा हूँ, देखो एक है आपके पास में एपी और एक है आपके पास में जीके। इनके लाइट कॉन्सेप्ट भी बंद अच्छे कर से दो। क्लियर हो जाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो एपी जो होती है हमारे पास, उसका फर्स्ट टर्म ए होता है, अगले टर्म में क्या होता है ए चीज प्लस होती चली जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से आपके पास डॉट 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 डॉट। अब ऐसे ही हमारे पास में आपका इसका nth टर्म जो होता है, कोई पर्टिकुलर टर्म अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन डी, और n टर्म्स का अगर आपको सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n अपॉन टू, और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होगा आपके पास d, ये सम टू n टर्म्स है AP के अंदर। अब देखो ऐसी चीज़ होती है हमारे पास में, कितना होती है GP। बेटे इस GP में क्या होता है, GP में हमसे कहते हैं कि GP का फर्स्ट टर्म आपके पास a है, अगला टर्म है ar, नेक्स्ट टर्म है ar स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट, और ये है आपके पास में ar की पावर n माइनस वन। जैसे एपी के अंदर कोई चीज प्लस होती चली जाती है, जीपी के अंदर कोई चीज आपका मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और जो चीज मल्टीप्लाई होती चली जाती है उसको हम स्मॉल आर कहते हैं, जो चीज प्लस होती चली जाती है उसको हम लोग स्मॉल डी कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर कोई टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, और अगर सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन और अपॉन में कितना होगा आपका आर माइनस वन। बस इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन आया तो हमसे कहते हैं कि ये आपके पास में थ्री लिखा, थ्री अपॉन में टू लिखा, थ्री अपॉन में फोर लिखा, कॉमा डॉट 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 डॉट, इसके कितने टर्म्स की रिक्वायरमेंट है कि इसका जो सम है वो 3069 अपॉन 512 बन जाए। बट हमें पता नहीं है सीरीज क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है आपके पास में, एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपके पास में कि हमें इसमें देखना है आपके पास कि अगर यह चीज़ प्लस हो रही है या कोई चीज़ इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेटे देखो यहाँ थ्री के बाद फिर थ्री आ रहा है, तो मतलब कुछ प्लस तो हो नहीं रहा इसके अंदर, क्योंकि थ्री चल रहा है। तो आप देख रहे हो कि थ्री के बाद थ्री अपॉन में टू आ रहा है, मतलब टू डिवाइड में आ गया, इसके अगली बार डिवाइड में फोर आ गया, फिर डिवाइड में कोई और चीज़ आ रही है। तो मतलब या तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके डिवाइड में टू है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके मल्टीप्लाई में कितना है, वन अपॉन टू है। मतलब पहली चीज मेरे पास में थ्री है, मल्टीप्लाई में अगली चीज मेरी थ्री से वन बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर वो चीज फिर वन बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाती है, और वन बाई टू आपका मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होती चली जाती है तो आप उसको क्या बोलते हो, जीपी, क्योंकि आर ऐसी चीज है जो उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब आप क्या लिखोगे कि आपकी जो सीरीज है वो क्या है आपके पास में, जीपी है। इसमें जो पहला टर्म है वो कितना है, थ्री है, और जिस चीज से आप इसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो वो कितना आपका, वन बाई टू है। आपके पास सम का फॉर्मूला कितना होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में कितना होगा आर माइनस वन, इज इक्वल्स टू कितना आपका 3069 अपॉन में कितना है 512, क्वेश्चन में आपको गिवन है। बेटे ए लिखा आपने कितना, थ्री, आर की जगह लिखा वन बाई टू, वन बाई टू की पावर एन माइनस वन अपॉन वन बाय टू माइनस में कितना होगा आपके पास में वन, इज इक्वल्स टू 3069 अपॉन 512। देखो बेटे थ्री से तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1023, क्लियर। अब जरा ना ऐड करके देखो, वन और टू कितना रहा है थ्री, और थ्री और थ्री कितना रहा है आपके इसमें सिक्स, तो ये ऊपर सिक्स आ रहा है मतलब थ्री की टेबल में आता है। अब फाइव और वन कितना है सिक्स, और टू आ रहा है एट, ये एट आ रहा है मतलब ये थ्री की टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास में क्या होगा, ये वन माइनस टू की पावर एन अपॉन में, ये ऐसे लिख दो, वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, एक ब्रैकेट में लिख दो, वन अपॉन टू में से वन को माइनस करोगे, आधे में से एक गया तो आधा बचेगा, लेकिन माइनस का आधा बचेगा, इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1023 अपॉन में कितना है 512। बड़ा आसान तरीके से सिखाऊंगा, देखिएगा, वन अपॉन टू की पावर एन माइनस में वन, ये माइनस का वन अपॉन टू मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनाएगा 1023512 मल्टीप्लाई में कितना होगा माइनस का वन अपॉन टू। बेटे वन अपॉन टू की पावर एन इज इक्वल्स टू होगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 1023, और टू से 512 को मल्टीप्लाई करोगे, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, ठीक है। माइनस का वन उधर गया तो क्या बन गया आपके पास, प्लस वन, ठीक है। अब देखो वन अपॉन टू की पावर एन इज इक्वल टू, ये माइनस का 1023, 1024 उधर जाएगा, 1024 अपॉन में कितना होगा 1024,
तो 1 अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1024। अब इस 1024 को ब्रेक करो, आपने लिखा 1024 और अब आपने इसको ब्रेक करा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 5 1 2 हो गया। इसे 2 से करोगे 256, 2 से करोगे 128, 2 से करोगे 64, 2 से करोगे 32 और 32 होता है 2 की पावर 5, तो 5 ये हो गया 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10, इससे आपका n की वैल्यू 10 निकल कर आ गई। तो आपको 10 टर्म्स की रिक्वायरमेंट है इतना सम बनाने के लिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब आपके फेवरेट क्वेश्चंस आपके पास, एक क्वेश्चन हमने लिया आपके पास, देखिए हमसे कहते हैं कि अगर आपका ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6, हमें लिखा बी इज इक्वल टू है 2 4 6 8, आपसे कहते हैं कि बच्चों ए माइनस बी क्या होगा और हमसे कहते हैं कि बी माइनस ए क्या होगा, ठीक है जी। देखिए अब a माइनस बी का मतलब है a के अंदर से b के एलिमेंट आप हटा दो, हटा दो सर, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटाने हैं, कॉमन एलिमेंट्स a के अंदर सर, जो b के सेट्स एलिमेंट्स वाले, आ रहे हो, सेट्स वाले सेट्स वाला है। अब a के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 है और b के अंदर 2 और 4 और 6 ये है, वो एलिमेंट है जो a के अंदर भी है। तो a के अंदर b के एलिमेंट है 2 4 6 है ना, आपने हटा दिए, बचे क्या रह गया आपके, सिर्फ 1 बचा रहा, 3 बचा रहा, 5 बचा रहा, ये होगा a माइनस बी। बेटे अगर आप बी माइनस ए लिखोगे तो बी माइनस ए का मतलब है बी में से एक एलिमेंट हटा दो आप। तो बेटे बी के अंदर एक एलिमेंट, एक तो 2 है, एक आपका 4 है और एक आपका 6 है ना, तो बचा कितना रह गया आपके पास, केवल आपका 8 बचा रहा। क्लियर है बच्चों? देखो अब देखो, एक है क्वेश्चन हमारे पास में, इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स आपके पास हो 3x+1 और एक है आपके पास में जी एक्स, तो वो जी एक्स हो अगर आपके पास x2+2, तो बेटे आपसे पूछते हैं कि बताओ फॉग क्या होगा, एक फॉग बॉफ बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो फॉग का मतलब है कि एफ के अंदर एक्स की जगह पर जी डाल दो आप, फॉग का मतलब एफ के अंदर जी डालो, तो जहाँ एफ के अंदर एक्स लिखा था एक्स की जगह पर जी पुट करना है, तो जब आप जी पुट करना है मतलब 3 और एक्स की जगह आपने जी लिख दिया, तो 3 g+1 हो गया। अब बेटे जी की तो वैल्यू है आपके पास, जी की वैल्यू x2+2 है, तो जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2+2+1 है, तो ये होगा आपके पास में 3x2+6+1 हो गया, मतलब आपके पास 3x2+7 हो गया, ये फॉग बन गया। अब आपसे कहते हैं कि बेटे गॉफ बनाकर दिखाओ, तो गॉफ का मतलब क्या है, जी के अंदर आप एफ डाल दो, तो जी के अंदर जहां एक्स लिखा था वहां पर आपने एफ डाल दिया, तो मतलब f2+2 बन गया। अब बच्चों अब आपके पास f की वैल्यू है, आपके पास f है 3x+1, तो आपने f की जगह पर लिखा 3x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, ये होगा 9x2+1+6x+2। सर बट इसमें f की वैल्यू तो 3x+1 थी ना सर, अब f की वैल्यू 3x+1 थी तो आपने 3x+1 का होल स्क्वायर किया, अच्छा तो आपके पास a2+b2+2ab+2, तो ये बना आपके पास 9x2+6x+3। आपसे पूछते हैं क्या फॉग और गॉफ सेम चीज होती है, आप कहोगे नहीं जी, आंसर तो लगाया है, फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं सर, बता रहे हैं बढ़िया, देखो एक क्वेश्चन हम आपके पास लेके चलते हैं कि अगर हमारी लिमिट x अप्रोच करती है 0 को, टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें आपको सिखाया था कि साइन x के नीचे x हो तो आंसर 1 आता है, और कॉस x के नीचे x हो, सॉरी टेन एक्स के नीचे अगर एक्स हो तो अभी आंसर कितना आता है आपके, ऐसा वन आता है, कंडीशन होनी चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो बेटे टेन जो बना होता है आपके पास वो साइन और कॉस से बना होता है, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स बन गया, माइनस में कितना है आपके पास साइन एक्स है और अपॉन में कितना आपके पास एक्स क्यूब है। बेटे आपने कॉमन क्या निकाला, साइन एक्स कॉमन निकाला,
आप sin x कॉमन निकालोगे, ये होगा 1 अपॉन cos x माइनस 1, अपॉन में कितना होगा आपके पास x क्यूब। ये जो x क्यूब है इसमें से आपने क्या करा, एक x अलग कर दिया sin x अपॉन x, और ये होगा आपका 1 माइनस cos x अपॉन में cos x, और ये जो x क्यूब में से एक x आपने निकाल दिया है, एक आपके पास x स्क्वायर बचा रह गया है। बेटे आपने क्या करा, साइन एक्स अपॉन कॉस करा, साइन को आपने बाहर निकाला, 1 अपॉन cos-1 रह गया, ये कॉस इधर जाएगा, 1 माइनस cos अपॉन cos बनेगा, एक्स क्यूब के दो पार्ट कर दिए, एक साइन एक्स के पास दे दिया और बाकी एक आपने अलग कर दिया। ठीक है जी, अब हमारे को ये याद रखना चाहिए, इसका आंसर तो बनाता है, 1 माइनस cos x का एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, जो हर बार देखो 1 माइनस cos और 1 प्लस cos तो ऐसे हैं जो हमेशा लगते ही लगते हैं, तो ये फॉर्मूले आपके पास में इनवर्स में भी लगेंगे, ट्रिगो में भी लगेंगे, डिफरेंशिएशन में भी लगेंगे, इंटीग्रेशन में भी लगेंगे। फॉर्मूला क्या है कि अगर कहीं 1 माइनस cos x लिखा हो तो आप 2 sin² x/2 लिख दो, और अगर आपके पास 1 प्लस cos x लिखा हो तो आप उसको 2 cos² x/2 लिख दो। तो 1 माइनस cos x होगा 2 sin² x/2, ये एक्स आपका ऐसे लिखा रहा, कॉस एक्स आपका ऐसे लिखा रहा, और आपके पास ये एक्स का स्क्वायर लिखा रहा। अच्छा ये तो एक्स खत्म हो चुका है आपके पास में, अब बेटे एक आपके पास में 2 और cos x आपने अलग कर दिया, और ये जो आपके पास है sin x/2 और इसके नीचे एक्स, इसका होल स्क्वायर आपने अलग कर दिया। अब बेटे ये है sin x/2, इसके अपॉन में कितना आपके पास एक्स है, तो आप क्या करोगे इसको, जैसे एक्स अपॉन टू है, इसे एक्स अपॉन टू बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बिल्कुल सेम चीज़ बन गया आपके पास, जैसी चीज़ ऊपर है वैसी चीज़ नीचे है, तो कितना बन गया आपके पास में 1 बन गया। तो ये होगा आपके पास में 2 अपॉन में cos x, उसके साथ में 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो बेटे 2 अपॉन cos x, एक्स कितना है 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है। बेटे एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो ठीक है, तो आपने इसलिए 0 पुट कर दिया, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, और साथ में कितना होगा 1/4, तो आंसर कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो आप, देखो हमसे कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन है 2x+3y-4=0, और एक लाइन है आपकी x-5y+7=0। देखो आप इसको सॉल्व करो और एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जिसके एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास में, माइनस का 4 होनी चाहिए, एक इनके पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो देखो ये एक बड़ा प्यारा केस बना आपके पास में, इस केस को समझ के चलिएगा। हमारे पास एक लाइन होगी और एक और लाइन है, ये दो लाइनें आपस में जिस जगह इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट पी है, तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट पी नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी ना, वो उस पॉइंट पी की वैल्यूज हैं। तो देखो आप क्या करते हो, आपने क्या करा, ये आपके पास में इक्वेशन है 2x+3y-4=0। इनको सॉल्व नहीं करते, इनके साइन चेंज कर कर। हाँ बेटे वही करना है, अब ये 2x है, इसको 2x बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा आपके पास में 2x हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, = 0 बन जाएगा। बेटे ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। बेटे 10y और 3y का मतलब कितना होगा 13y, माइनस 14 और 4 होगा माइनस का 18, तो आंसर कितना आएगा 18 आएगा। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालो तो 18 अपॉन में 13 हो जाएगी। अब y है आपका 18 अपॉन 13, आप y की जगह 18 अपॉन 13 पुट कर दो, आपके पास है x-5y+7=0, और आपके पास जो y की वैल्यू है वो 18 अपॉन 13 है, तो ये है x-5 × 18 / 13 + 7=0। देखो बेटे x = ये उधर जाएगा होगा आपके पास 5 × 18 / 13 - 7, तो बेटे x = कितना होगा 90, माइनस कितना होगा 91/13, 13 हो जाएगा, तो x = होगा -1/13, ये आपका x निकल कर आ गया।
अब जो आपके पास में पॉइंट है, इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन 13 है और वाई की वैल्यू कितना आपके पास 18 अपॉन 13 है। ये पॉइंट्स निकल के आ गए। हाँ बेटे, अब देखो अगर आप किसी लाइन की इक्वेशन निकालना चाहो, अब आपसे कहते हैं एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, माइनस का 4 है। मतलब एक्स इंटरसेप्ट माइनस 4 का मतलब है कि एक पॉइंट तो कितना है, माइनस 4.0 है, और एक पॉइंट क्या है आपके उसमें पी है। तो बड़ा आसान सा तरीका होता है इसका, इक्वेशन होती है वाई माइनस में वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और एक्स माइनस में कितना होगा आपके पास एक्स वन होगा। अब वैल्यूज पुट करनी है आपने, ये है एक्स वन और ये है वाई वन और ये है एक्स टू और ये है आपका वाई टू, पूरी इक्वेशन आपके उसमें निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अगर इतना भी छोड़ कर आगे तो नंबर मिलेंगे, 6 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मिलेंगे मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तक का? पहचानने वाली बात है कई बार क्वेश्चन, बस बस आपने इस क्वेश्चन को अगर आप पहचान गए तो आपसे क्वेश्चन बड़े आराम से निकल कर जाएगा। अच्छा, आपको मैं क्वेश्चन का हिंट टॉपिक भी समझा कर चल रहा हूँ कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है और किस तरीके से पूछा जाएगा, ये भी आपको बता के चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन उसके साथ बना के भी दे रहा हूँ तो आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो, एक आपके पास में वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, माइनस आई प्लस में कितना आपके पास में 2j। देखो आपको कहते हैं कि एक ऐसा मेरे को यूनिट वेक्टर निकाल के दो जो मेरा 3a+2b के पैरेलल है। मतलब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो 3 टाइम्स a वेक्टर का और 2 टाइम्स b वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर है। तो बेटे क्या होगा मेरे पास, 3 टाइम्स a वेक्टर का मतलब है 6i और प्लस में कितना होगा 9j, और 2 टाइम्स वेक्टर का मतलब है -2i और प्लस में कितना है 4j। बेटे 6i और 2i कितना होगा 4i, और 9j और 4j कितना होगा आपके पास 13j होगा। ये मिल गया 3a+2b आपका। मैं इस वेक्टर का नाम सी वेक्टर रख देता हूँ और मुझे सी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। तो ये होगा 4i और प्लस में कितना होगा 13j अपॉन में क्या होगा, इसी की वैल्यू से इसको डिवाइड करना होता है। 4 की वैल्यू स्क्वायर 16 हो गया और ये कितना होगा 169 हो गया। 169 में 16 प्लस करो कितना आएगा, नॉर्थ से 15 17 18 185। तो रूट के अंदर कितना हो गया आपका 185 हो गया। क्लियर है? देखो एक और क्वेश्चन समझो, आपसे कहते हैं कि ना कभी भी दो वेक्टर से दे देंगे और उनके बीच में आपसे एंगल पूछेंगे। तो जैसे उन्होंने एक वेक्टर आपको ए दे दिया, ए है आपके पास आई माइनस जे प्लस के, और वेक्टर बी है आपके पास आई प्लस जे और माइनस में के। तो बड़ा आसान सा तरीका होता है, हमने आपको सिखाया था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर ए को और बी को डॉट करा दो और नीचे ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो। तो बेटे ए को बी से डॉट कराने का तरीका, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से। तो आई के साथ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 × 1 कितना आएगा 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 आएगा -1, और प्लस का 1 और माइनस का 1 आएगा -1 अपॉन में ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितना होगी 1+1+1 मतलब √3। बी की वैल्यू होगी आपके पास 1+1+1 कितना होगा आपके पास √3। आंसर आएगा आपके पास में 1 7 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 अपॉन में 3, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा -1/3 होगा। बस आंसर आ गया। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पास मैंने आज आपको सिखाए हैं।